Good morning. We begin with some concerning news for Delhiites. Delhi is breathing poison on Diwali Day. Multiple areas have recorded very poor air quality this morning, with areas like Anand Vihar recording severely toxic air. Multiple areas in the national capital have slipped into very poor air quality this morning. In fact, there are multiple areas, according to Central Pollution Control Board, areas like Dwarka, DTU, ITO, Siri Fort, Punjabi Bagh, North Campus of the Delhi University, Jawaharlal Nehru Stadium, Nehru Nagar, Patpat Ganj, Ashok Vihar, Jahangirpuri, Vivek Vihar, all these areas are in the very poor category. Anand Vihar has slipped to the severe category with the air quality index this morning at 403. So toxic air in the national capital. You can see that thick layer of smog and enveloping the national capital this morning. Prerith joining us for more on this. Prerith, is subha very poor air quality hai Delhi mein. दिल्ली आज दिवाली का दिन है, लोग जश्न मनाएंगे, त्योहार मनाएंगे, लेकिन ये जो हवा की जो प्रदूषण है वहां पर, ये काफी चिंताजनक है। अब बिल्कुल देखिए कि दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ा त्योहार है, क्योंकि दिवाली है और दिवाली भारत में लोग जश्न से मनाते हैं, लेकिन देखिए कि किस तरीके से दिल्ली की हवा जो है वो लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली जो है पूरे तरीके से गैस चेंबर में बदल चुका है। ऐसा लग रहा है दिल्ली के अंदर कि जैसे हम किसी गैस चेंबर में पैक है और जहरीले हवा को हम सांस के तौर पर ले रहे हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर को कहूंगा कि पहले यहाँ की तस्वीरों को दिखाई, देखिए किस तरीके से विजिबिलिटी कम दिखाई पड़ रही है, यानी कि विजिबिलिटी जो पारदर्शिता है वो बिल्कुल कमती जा रही है। और ये जो है ये किसी ठंड के सर्दी के कोहरे की वजह से नहीं है, बल्कि ये स्मॉग है जिसमें जहरीले हवा के अंदर जहरीले कण है, चाहे वो PM10 हो, PM2.5 हो, और उसके अलावा तमाम जो जहरीले कण है, इसको लेकर के दिल्ली के जो लोग हैं वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दिवाली की रात के बाद यानी कि आज शाम के बाद दिल्ली की हवा वो और प्रदूषित हो सकती है और जहरीली हो सकती है। हालांकि सरकार ने इसको लेकर के दिल्ली के अंदर पटाखे बैन कर रखे हैं, उसके अलावा जो आसपास के इलाकों में पराली जलाने को भी लेकर के बैन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की ये हवा जो है इन तमाम नीतियों की पोल खोलती हुई दिखाई पड़ रही है। और ये जो तस्वीर है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2022 की है, ये तस्वीर हर साल आती है, चाहे 2021 की हो, चाहे 2020 की हो या 2019 की हो, हर साल दिल्ली की हवा इसी तरीके से प्रदूषित रहती है और हर साल जो दिल्ली के जो लोग हैं उनके लिए परेशानियां बढ़ जाती है, खास करके ऐसे लोगों के लिए जो छोटे बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, या फिर वो लोग, वो शख्स जिन्हें सांस संबंधित तमाम तरह की परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, उनके लिए दिल्ली जो है इस वक्त किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं है, क्योंकि दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा जहरीली हो चुकी है, इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि यहाँ पर लोगों को रहना, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है और ये परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। और न तो दिल्ली वासियों को पता है, न सरकार को पता है, किसी को नहीं पता है कि इस तरह की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार जो दिल्ली की हवा प्रदूषित दिखाई पड़ रही है, इससे लोगों को निजात कब मिलेगा। दिल्ली में जिस तरह से अलग अलग इलाके हैं, चाहे वो आनंद विहार हो, चाहे वो शादीपुर हो, चाहे वो जहांगीरपुरी हो, तो ऐसे तमाम जगहों पे दिल्ली की हवा जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा जहरीली दिखाई पड़ रही है। और खास करके जहां मैं मौजूद हूं अक्षरधाम इलाके में, यहां की विजिबिलिटी जो हमने आपको दिखाई किस तरीके से पारदर्शिता में कमी आई है, ये भी एक बहुत डराने वाली चीज है, क्योंकि दिल्ली के लोग त्योहार मनाए, जश्न मनाए, उससे ज्यादा उनके भीतर एक डर बैठा हुआ है कि इस त्योहार और जश्न के बाद उनके लोगों का अंजाम क्या होगा, घर में जो छोटे बच्चे हैं उनका अंजाम क्या होगा, किस तरीके से वो आने वाले वक्त में अपने आप को संभाल करके रखेंगे, क्योंकि चुनौतियां उनके लिए बड़ी है, जिस तरह से परेशानियां बड़ी है, क्योंकि इस तरह की जो पॉल्यूशन जो बढ़ रहे हैं इसमें एयर प्योरीफायर है वो भी फेल हो जाता है, क्योंकि PM2.5 और PM10 ऐसे जहरीले कण हैं कि जब हम सांस के माध्यम से उसे अपने अंदर इनहेल करते हैं तब हमारे जो फेफड़े हैं फेफड़ों में बहुत ज्यादा उसका घातक असर होता है और इसको लेकर के परेशानियां बढ़ रही है, क्योंकि तमाम विशेषज्ञों से भी जब हमने बात की तो डॉक्टरों का भी कहना है कि कोविड के बाद लोगों के लंग्स में बहुत ज्यादा असर हुआ है कोविड में, सेकेंड वेव में, और ऐसे इसके बाद जिस तरीके से दिल्ली की हवा प्रदूषित है, जिस तरीके से दिल्ली की हवा में PM2.5, PM10 जैसे तमाम
इंफेक्शन है तो वो लंग्स को और डैमेज दे सकता है, क्योंकि हम आए दिन जो तस्वीरें देखते हैं किस तरीके से लोग जो है वो चलते फिरते अचानक से वो कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं, और ऐसे में जब फेफड़े पर और सीधा हार्ट पर इसका असर पड़ेगा इस पॉल्यूशन का, तो लोगों की जिंदगी कितने खतरनाक दौर से गुजर सकती है। तो तस्वीरें दिल्ली की है कि दिल्ली इस वक्त पूरे तरीके से गैस चैम्बर में बदल चुका है, दिल्ली की हवा जो है वो पूरे तरीके से दम घोटू हो चुकी है कि कोई भी एक स्वस्थ इंसान जो है दिल्ली की यदि हवा ले लेगा एक सप्ताह तो उसके अंदर तमाम तरह की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई महसूस करती हुई दिखाई पड़ सकती है। और यही तस्वीर दिल्ली की है, ये जो है दिवाली के सुबह की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ आज का जो दिल्ली का ओवरऑल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो सफर ऐप पे दिखा रहा है वो 276 है, और बीते दिन यानी कि संडे को ये एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 262 था, यानी कि आने वाले वक्त में और ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की आशंका है। शुक्रिया प्रेरित हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। एंड लेट मी टेल यू द वेरी पुअर एयर क्वालिटी, व्हाट आर द पॉसिबल हेल्थ इंपैक्ट्स ऑफ ब्रीदिंग इन वेरी पुअर एयर। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स इट सेज दैट देयर कुड बी रेस्पिरेटरी इलनेस ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर इफ यू ब्रीद इन वेरी पुअर एयर। सो डेलीआइट्स हैव टू नीड टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ द डिपिंग एयर क्वालिटी अराउंड द नेशनल कैपिटल।